और बच्चों का भविष्य सुधरेगा। रही बात अनुदेशकों की और अपने शिक्षा मित्रों की, सबकी, आप पिछले 8-9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, चीजें हैं, सरकार सुन रही है, पर सरकार जल्दी से बहुत कुछ करने वाली है। उसी का नतीजा है कि जो पैसे बढ़े इनके, उसी का नतीजा है कि जो जिले से जिले में ट्रांसफर की बात आई, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि बहुत जल्दी सरकार ये काम भी करने जा रही है, जो उनकी और मांगे हैं उन मांगों को विचार किया जा रहा है और उनको भी जल्दी से पूरा किया जाएगा। आप लोग इतना कर रहे हैं, वास्तव में सर मैं कई बार कहा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हमको ये सफलता मिल गई होती, लेकिन हम लेना नहीं चाहते हैं सर। यदि लेना चाहते हैं तो ये 600, 700, 800, 900 लाइव नहीं होता सर। यहाँ तो है कि मनोज जी ने सही कहा कि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पैदा हो लेकिन बगल के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो लेकिन सुख सुविधा हमको मिले। तो हम तो सर खुद हम लोग बहुत प्रयास करते हैं सर, लेकिन अब क्या बताएं, बहुत सारी बातें हैं सर। लेकिन अंतिम बार आदरणीय मनोज पंडित सर से आग्रह करेंगे सर, एक मिनट सर, कि सर ये जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है सर, इसको अवश्य सर करवा दीजिए, एक बार सर ट्रांसफर पूरा करवा दीजिए, हम लोगों की आधी समस्या सर इसमें समाप्त हो जाएगी। इतने परसों बात हुई थी आदरणीय विजय किरण आनंद जी से, तो उन्होंने जनपद के अंदर का स्थानांतरण
आदरणीय मनोज पंडित सर से हम आग्रह करेंगे सर कि आप यदि सर चाहेंगे तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर के भी एक ही बार मौका दिला दीजिए सर। हम बार बार आपसे नहीं चाहेंगे सर, ट्रांसफर एक बार इतने अच्छे प्रकार से करवा दीजिए, 100 की बाध्यता को समाप्त करा दीजिए कि किसी विद्यालय में कंपोजिट विद्यालय में सर हमको 1 से 8 विद्यालय हो गए कंपोजिट हो गए, वहाँ 1 से 5 में भी हमें पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब छात्रों की संख्या जोड़नी होती है तो 6 से 8 की संख्या जोड़ती है जोड़ा जाता है। आप बताइए हम 1 से 5 के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी पीटी योगा करा रहे हैं, उनको भी कला सिखा रहे हैं, उनको भी कंप्यूटर सिखा रहे हैं, लेकिन जब हमारा नवीनीकरण की बात होती है तो कहा जाता है कि नहीं 1 से 5 की संख्या नहीं जोड़ी जाएगी। अब आप बताइए कितना अन्याय हम लोग के साथ हुआ है, वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के राज में जो कि संत है महात्मा है और ये सारी कमियां इन अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सारी बातें पहुंच नहीं पा रही है, हमें लगता है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सारी बातें पहुंच जाएगी इन सारी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य कर देंगे, क्योंकि वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो लोगों की पीड़ा को देखते हैं, उनको समझते हैं और उनके हमसे ज्यादा उनके बारे में कौन जान पाएगा, लेकिन हमको इधर मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है सर। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे हमारे लिए एक मुलाकात कराइए, फिर इनका आधा मतलब ऐसे ही सुलट जाएगा, ये खुद समझा लेंगे मुख्यमंत्री जी को। मुझे अभी तो 3 दिन में आए हैं, आज लखनऊ से बस 3 दिन से तो वहीं थे गोरखपुर में, नहीं गोरखपुर नहीं मुलाकात आपकी कृपा होगी सर, लखनऊ में मुलाकात करा दीजिए, हम लगातार समय मांग रहे लेकिन मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मुलाकात हो जाएगी सर। विक्रम सिंह मुलाकात की व्यवस्था करते हैं और मैं सीधा उदय सिंह जी से, उदय सिंह जी शिक्षा मित्र को भी 15 दिन का वेतन मिल गया, मैं चाहता हूँ कि ये वेतन 15 दिन का न रहे, सबको 11 माह 29 दिन का मिल जाए, एक दिन सरकार ब्रेक कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 29 दिन का वेतन मिल जाए ताकि सबके जून जुलाई अगस्त सितंबर कोई दिन न रहे खाली, 2 जून की रोटी मिलती रहे कम वेतन वालों को, अल वेतन वालों को भी, तो एक बड़ी बात होगी। नमस्कार सर, मैं आदरणीय मनोज पंडित जी और आपको नमस्कार करता हूँ, और सर मनोज पंडित जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि हम लोग 20 वर्षों से बेसिक में पढ़ा रहे हैं, हमारे हमारे 1,37,000 लोगों का अखिलेश सरकार में समायोजन हुआ था जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे कि उन्होंने क्यों किया कैसे किया, लेकिन जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि यदि सरकार चाहे तो इन्हें जीवन यापन के लायक मानदेय देकर के और 2 सीधी भर्तियों में इन्हें भर्ती करके जो TET पास लोग हैं उनको और TET पास जो लोग हैं उन्हें 2 भर्तियों में शामिल करके उनको सहायक अध्यापक बना दी, और जो TET पास करें आगे और उनको सरकार आगे के लिए उनको क्या नाम है उनका उनको अगली भर्तियों में मौका दी। तो सर हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि अगस्त 2017 से हमारा मानदेय 10,000 पर टिका हुआ है।